मोदी सरकार के दो साल के कामकाज पर एक खास जानकारी से बात करेंगे। मिस्टर दिलीप भट्ट हमारे साथ इस डिस्कशन में है। सर नमस्कार, ये जो डिस्कशन है मैं इसी बात से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि 16 मई आज से दो साल पहले जिस एक्सपेक्टेशन के साथ बाजार ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 16 मई को नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से, वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई 91.19 के प्राइस पर, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत कुछ आना बाकी है, अभी स्टे ट्यून्ड, निवेशित रहिए, बहुत पैसा बनेगा? जो 2014 में जो हुआ वो एक शुरुआत थी, एक्सपेक्टेशंस भले बहुत हाई हो वो बहुत स्वाभाविक था, लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा कि ये दो साल में जो इतने चैलेंजिंग टाइम्स थे और ये मोदी सरकार ने काफी अच्छी तरह से इसको डील किया है, इसको नेविगेट किया है विथ मिनिमम काइंड ऑफ पेन। और हम ये भी देख रहे हैं कि ओवरऑल कैसे वो ही इज रीचिंग आउट टू द कॉमन मैन एट द सेम टाइम रीचिंग आउट टू द इंडस्ट्री। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो कुछ भी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेशंस इन द मार्केट एंड द इंडेक्स मूवमेंट, लेकिन अभी मुझे लगता है अभी तो सिर्फ एक ये झलक थी, लेकिन अभी द बेस्ट इज येट टू कम। और आने वाले 3 से 5 सालों में हम इनका पूरा इंपैक्ट देखेंगे जो कुछ भी उन्होंने काम किया है, और हम सब देखेंगे वेदर इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, मार्केट परफॉर्मेंस इन द स्टॉक मार्केट विच विल एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट दिस। मुझे लगता है अभी बेस्ट इज येट टू कम। सर आपने कहा बेस्ट इज येट टू कम, लेकिन वर्स्ट इज ऑन द स्क्रीन एज फार एज बैंक्स इज कंसर्न। अभी बहुत अच्छा समय आना है लेकिन बुरा समय बैंकों का चल रहा है। 6 बैंकों ने 7,000 करोड़ रुपए का लॉस पोस्ट किया है, कोई छोटी बात नहीं है सर। हम एक साल में रिकैपिटलाइजेशन के लिए 25,000 करोड़ की अमाउंट देते हैं और आपके छोटे 6 बैंक एक क्वार्टर में 7,000 करोड़ का नुकसान पोस्ट कर रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है सर। तो वर्स्ट इज ऑन द स्क्रीन डेफिनेटली, ये वर्स्ट बाय करने के लिए है या फिर सेल करने के लिए है? ये प्राइस जो आपकी स्क्रीन पर है, मैं तो ये समझूंगा कि ये लेवल, ये जो लेवल है और इस लेवल से अगर मार्केट करेक्ट होता है फर्दर थोड़ा बहुत, से निफ्टी अगर 200-250 पॉइंट का करेक्शन भी देता है इस लेवल से, मुझे लगता है दिस इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन द डिप्स विदाउट एनी डाउट। और अगर करेक्ट नहीं होता है और कंसोलिडेट होता है इस लेवल पे तो भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि दोनों सिनेरियो ऑफर्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बोल्स्टर योर पोर्टफोलियो फॉर अ लॉन्गर टाइम, से फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years इज व्हाट आई वुड लुक एट इट। ओके, दैट मींस आप ये कह रहे हैं कि सर यहां से अगर डाउनसाइड है भी 200-250 पॉइंट का, मान लीजिए वो 1.5-2 महीने के अंतराल में आए भी, मैं मोटे मोटे तौर पर यह मांग चलता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि FY17 का Q1 Q2 will be far better than what we have seen in Q3 and Q4 in FY16. सर ऐसे में आपको लगता क्या है एज इन्वेस्टर, मान लीजिए मैं पैसे में बैठा हूँ और मैं बाजार को बहुत दिनों से देख रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज तलाश रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज कहाँ है इस बाजार में इस वक्त एग्जैक्टली? अगर मैं जरा एक इंफ्रा स्पेस में स्पेल आउट करूं, मुझे लगता है ये एक स्पेस है जहां पर ये सरकार बहुत अच्छी तरह से समझती है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट क्या आ सकता है इकोनॉमी में। और जिस तरह से वो ऑर्डर्स दे रहे हैं वेरियस कंपनीज को, तो मुझे लगता है कि शायद इसका पूरा इंपैक्ट ये कंपनीज में आने वाले टाइमों में और दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ हायर ऑर्डर बुक पोजीशन, बेटर एग्जीक्यूशन एंड बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। तो मुझे लगता है समथिंग लाइक लार्सन टूब्रो इज वन स्टॉक विच विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ इंफ्रा एज वेल एज बिकॉज ऑफ डिफेंस। और जरा मिड कैप्स में हम देखें तो समथिंग लाइक सद्भाव है, या फिर अगर आप नागार्जुना कंस्ट्रक्शन देखें, मुझे लगता है सम ऑफ दिस कंपनीज ऑल्सो शुड डू प्रेटी वेल इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। और इनका इंपैक्ट भी शायद कैपिटल गुड्स में भी आने लगेगा एज द थिंग्स स्टार्ट मूविंग, तो ये सम ऑफ दिस कैपिटल गुड्स कंपनीज ऑल्सो विल स्टार्ट लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एक चीज और सर, इनफैक्ट शायद ये बजट जो स्पीच थी वित्त मंत्री अरुण जेटली की, उसमें कहा गया कि मोदी सरकार ने और मोदी जी ने पूरा ठप्पा लगा दिया था कि भैया ये बजट जो है रूरल बजट बनाइए,
आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल भी था इनफैक्ट कि एग्जैक्टली अगर आप देखें दो साल के कामकाज में जो मेजर थ्रस्ट रहा वो रहा रूरल इंडिया पे और वो दिखाई भी दे रहा है. रूरल इंडिया जब जब नाम आता है तो शायद एग्रीकल्चर टू व्हीलर स्पेस की कंपनियां बजाज ऑटो हीरो मोटोकॉप टीवीएस मोटर्स ये जहन में आती हैं एफएमसीजी कंपनियां जहन में आती हैं. तो सर रूरल इंडिया ग्रामीण भारत और उनकी डिमांड और उनकी उभरती हुई डिमांड इससे जोड़ते हुए अगर आपको कुछ पिक करना है कुछ एक्यूमुलेट करना है तो आज दो साल के कंप्लीशन के बाद आप क्या खरीदेंगे एग्जैक्टली? मुझे लगता है ओवरऑल अगर हम अक्रॉस द सेक्टर्स देखें तो समथिंग लाइक M&M लुक्स प्रेटी इंटरेस्टिंग महिंद्रा एंड महिंद्रास बिकॉज इट हैज अ बुके ऑफ पोर्टफोलियो विच केटर्स टू बोथ द रूरल एज वेल एज टू द अर्बन. और मुझे लगता है यहां पर एक रूरल सेक्टर और फार्म रिलेटेड सेक्टर में उन्होंने काफी बड़ा हिट लिया था तो M&M काफी ठीक लग रहा है. मुझे लगता है M&M फाइनेंस ऑल्सो लुक्स प्रेटी इंटरेस्टिंग बाय द सेम आर्ग्यूमेंट्स. और हम जरा देखें कि मोटरसाइकिल्स में समथिंग लाइक हीरो मोटर्स लुक्स प्रेटी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द करंट लेवल. यहां से मारुति भी एक काफी इंटरेस्टिंग पिक बनेगा एज द डिस्क्रिशनरी स्पेंड इन द रूरल एरियाज विल इंक्रीज. सो मुझे और समथिंग लाइक अ कमिंस ऑल्सो वुड लुक वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ऑफकोर्स इवन इन द फार्मा स्पेस एज रूरल स्टार्ट्स कंज्यूमिंग मोर एंड द प्रोस्पेरिटी इंक्रीजेस मुझे लगता है कि इवन फार्मा कंपनीज के डोमेस्टिक सेल्स भी काफी अच्छे रहेंगे. सर एक और चीज आई थिंक जब हम कहते हैं ना कि डिमांड काफी रहेगी डिमांड को क्रिएट करने के लिए और इनफैक्ट डिमांड को और स्ट्रांग बनाने के लिए आपको फाइनेंसिंग की जरूरत होती है इजी फाइनेंसिंग की जरूरत होती है. हमने देखा है बाजार ने बहुत रिस्पेक्ट दी है चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हो चाहे वो इनफैक्ट इक्विपमेंट फाइनेंस कंपनियां हो चाहे वो टू व्हीलर फाइनेंस कंपनियां हो चाहे वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हो बाजार ने काफी रिस्पेक्ट दी है. IPO मार्केट में वाइब्रेंसी रही ऐसी कंपनियों की. इस स्पेस में सर अपने क्लाइंट्स को आप लोगों ने क्या राय दिया है एज ए इन्वेस्टर कहाँ जोर देना चाहिए इस वक्त? सो मुझे लगता है कि NBFCs काफी अच्छे करेंगे और स्पेशली ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को जो फाइनेंस करते हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस है या कैपिटल फर्स्ट है मुझे लगता है ये दोनों कंपनीज बजाज फाइनेंस तो खैर बहुत अच्छी कर रही है लेकिन कैपिटल फर्स्ट भी एक कंपनी है विच हैज स्टार्टेड शोइंग गुड विजिबिलिटी गुड ट्रैक रिकॉर्ड एंड दे आर फाइनेंसिंग इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस जो पूरे अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज में भी होते हैं. और जिस तरह से पावर is being made available across to a wide goods segment is something which will continue to see a good boost in the turnover. चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया. आज आपका थोड़ा सा समय चाहिए था बस ये दो साल के कामकाज पर बात करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपने समय निकाला बातचीत के लिए अपनी राय रखी दो साल के कामकाज पर फ्यूचर आउटलुक पर. ऑलवेज अ प्लेजर. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए.